आप देख रहे हैं अमेज नाउ। कभी कभी तो तिल रखने तक की जगह नहीं रहती। यात्री श्रद्धालु तरबतर शिव बाबा के दर्शन को ललायत घंटों लाइन में लगे रहते हैं। दर्शन तृप्ति कर लेते हैं तो फिर उन्हें अपनी भूख शांत करनी होती है। ऐसे में उन्हें याद आना चाहिए कॉरिडोर परिसर में तैयार अमृत भवन की, जहां तरह तरह के लजीज व्यंजन उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उत्तर भारतीयों के लिए ही नहीं, देश विदेश के श्रद्धालुओं के पेट पूजा का इंतजाम यहां पर किया जा चुका है। की व्यवस्था थी और अब हम आपको ऊपरी तल पर लेकर आए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा नदी जो कितनी खूबसूरत बह रही है और वहाँ से व्यूज जो है बहुत ही सुंदर है। और साथ ही साथ हम आपको ऊपरी तल का एक टूर दिखाते हैं। ये देखिए कितना ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ पे सिर्फ नाश्ता ही नहीं, आपको तरह तरह के खाने भी मिलेंगे और भोजन आपको मिलेगा, जो भी चाहे वो सब कुछ। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज भी मिल सकता है, पर खास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर आपको जो भी भोजन मिलेगा वो बिना लहसुन प्याज का होगा। तो दर्शनार्थियों के लिए इससे शुभ और अच्छा अवसर कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आए और आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि भोजन आपको कैरी करके ही लाना है। यहाँ शुद्ध और सात्विक बाबा के धाम में, बाबा के परिसर में बैठ के इस भोजन का आनंद लें। और साथ ही साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।